आप सभी को मेरा जय श्री सीताराम। समय कम है, बोलना ज़्यादा है, तो मैं ओवर स्पीड रहूँगा, मुझे बुक मत कीजिए। चली जहाज कलकत्ता से, चली जहाज कलकत्ता से, पहुँची फीजी देशवा, पहुँची फीजी देशवा। आजा कहा करते थे कि बोट में एक मजाक हुआ करता है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो लोग कहते हैं कि ससुराल जा रहे हैं। क्या लेकर आए ससुराल में, क्या लेकर आए? अपना धर्म, अपना संस्कृति, अपनी भाषा, ये सब लेकर आए हैं और आज भी बचा है, बड़ी खुशी की बात है। 14 तारीख में 1879 को लियोनिदास यहाँ पर लगा और उसके साथ में हिंदी इस देश में प्रवेश कर गई, क्योंकि जो लोग आए थे हिंदुस्तान के कोने कोने से आए थे, वो कई प्रकार के भाषा काम में लाते थे और क्या हुई, यहाँ पर भाषाओं की होली हो गई, सब रंग एक में मिल गए और एक नई भाषा बन गई। अपने साथ में कई धार्मिक पुस्तक इत्यादि लेकर आए, रामायण लाए, सत्यनारायण कथा लाए, सुख सागर लाए, आलखंड इत्यादि इत्यादि ऐसे ऐसे लेकर आए और यही सब हमारी हिंदी को आज तक बचा कर रखी हुई है। सन 1888 में मॉरिस ब्रदर्स ने तुरेक में एक स्कूल खोला जिसमें हिंदुस्तानी बच्चों को पढ़ने का मौका मिला। पांच हिंदुस्तानी बच्चे वहाँ पर शामिल हुए और उनको हिंदी पढ़ने का मौका मिला। इसके साथ साथ में श्री बद्री महाराज ने 1899 में पहली पाठशाला वैरुकु इंडियन स्कूल राखी राखी में स्थापित किए, जहाँ पर हिंदी का पढ़ाई शुरू किया गया। सन 1909 में फिजी में एक एजुकेशन कमीशन बैठारा गया और उस कमीशन का रिकमेंडेशन जो था, पहला था कि सरकार का जिम्मेवारी लेना जरूरी है कि जितने बच्चे इस देश में हो, कोई भी जात के हो, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। और उसके साथ में जो हिंदुस्तानी लोग थे वो भी कड़ाई किए कि पाठशालाएं बनाई जाए। 1919 में सरकार ने पहली पाठशाला नतंबुआ में बनाई जिसमें हिंदुस्तानी बच्चों को मौका मिला पढ़ने का, और 1930 तक 6 और पाठशाला सरकार ने बनाई जिसमें हिंदी पढ़ाई हुआ, सामबुला में, बा में, वैनिकोर लम्बासा में, उत्वलेबू नांदी में तथा लम्बासा में। 1947 में नसीनू टीचर्स कॉलेज को खोला गया ताकि अध्यापकों को वहाँ पर ट्रेन किया जाए, उनको तैयार किया जाए और देश में, और जो टीचर्स कॉलेज का करिकुलम था, पाठ्यक्रम था, उसमें ये जरूरी था कि हिंदी भाषा भी सिखाई जाए और वो जाके बच्चों को सिखाएं। 1968 में करिकुलम डेवलपमेंट यूनिट का स्थापना हुआ और मैं 4-5 बड़े पुराने लोगों का नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने हिंदी का शुरुआत किया, जिन्हें पहली करिकुलम लिखी, पाठ्यक्रम लिखा, और जैसे मास्टर बाबूराम, श्री काशीराम जी, श्री हंसराज जी, श्रीमती कमला जी, चंद्रदेव जी, रमा नारायण इत्यादि इत्यादि, और कई हैं और कई यहाँ पर बैठे हैं। ये लोगों ने शुरू में काफ़ी काम की। इसके साथ साथ में जैसे जैसे एग्जामिनेशंस शुरू किए गए, उनमें मौका दिया गया। 1926 में जो एजुकेशन कमीशन बैठा था उसने फैसला किया कि स्टैंडर्ड हिंदी जो है उसको वो माना जाएगा जो हमारी धार्मिक पुस्तकों में है और उसी को पढ़ाई पाठशाला में काम में लाने की ज़रूरत है। तो जितने हमारे एग्जाम्स होते थे उनमें मौका मिला कि बच्चे अपना हिंदी का परीक्षा ले सकें। ये भी लिया जाए कि अंत में जब फॉर्म 7 जो है वो भी शुरू की गई तो उसमें भी मौका दिया गया कि हिंदी की पढ़ाई बच्चे ले सकें। अभी आपने कई सभी से सुना है कि जो 3 हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर हैं उनमें हिंदी पढ़ाई चल रही है और वो एक अच्छा चीज़ है, अच्छा विषय है कि हमारे बच्चों, हमारे नागरिकों का मौका है। इसके अलावा हिंदी हमारे पहले स्कूल ब्रॉडकास्ट सिस्टम चल रही थी, मुझे नहीं मालूम अब चल रहा कि नहीं क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ,
और उसमें हिंदी पढ़ाई जाती थी। रेडियो में स्टैंडर्ड हिंदी का मिलाया जाता था। अभी हाल ही में मुझे बताया जा रहा है कुछ और हो रहा है एक स्टेशन पर। टेलीविज़न में भी हिंदी आ रही है, हिंदी फिल्मों फीजी में आ रही हैं, न्यूज़पेपर कई हिंदी न्यूज़पेपर आए और चले गए। शांति का दूध जो है वही एक बचा है दूध, और वो हिंदी भाषा में है। फीजी का विधान वो भी हिंदी भाषा में लिखा गया है। फीजी नेशनल एंथम जो है उसका एक भाग हिंदी में भी हम गाते हैं, हिंदी का में। और सरकारी जितना एडवर्टिजमेंट होती है जो खास करके, उनको भी हिंदी में लिखा जाता है। धन है हमारे जितने धार्मिक संस्थाएं हैं, अगर हिंदी बचा है तो खास उनके दबाव से, उनके कारण से बचा है। माता पिता तो बहुत कम ध्यान देते हैं कि हिंदी पढ़ाया जाए या नहीं। पंडित व्यक्ति जो हमारे थे वो धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, और इसके साथ में गाना बजाना और ये सब बाल शिक्षा दी जा रही है। मैं कुछ उन लोगों का नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने शुरुआत की हिंदी लिखने के। पंडित कमला प्रसाद मिश्रा जी, मैं पुस्तकों का नाम नहीं ले रहा, इन लोगों का नाम ले रहा, क्योंकि इन्होंने कोशिश करी कि हमारी भाषा जिंदा रहे। श्री जे एस कनवल जी आज नहीं है हमारे मध्य में, श्री विवेकानंद शर्मा जी जिनके पुस्तक हमारे पाठशाला में चल रही थी, श्री एल बी मास्टर जी, भारत बी मोरिस, रायमंड पिल्ले, प्रोफेसर सुब्रमणि, अभी हाल ही में उत्तरा गुरदयाल इत्यादि इत्यादि सब ये हिंदी पुस्तक लिख रहे हैं और ये बढ़ावा दे रही है। चाहे हम टूटी फूटी हिंदी बात करें, गांव का हिंदी करें या मार्केट वाली, लेकिन खुशी का बात है कि हम हिंदी में बातें कर रहे हैं और अपनी हिंदी को बचा कर रखे हैं। आगे हिंदी हमें आगे बढ़ाना है तो हमें और सहयोग देना है कि और यहाँ के लोकल व्यक्ति पुस्तक इत्यादि लिखना चले। हमें आईटी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आजकल के बच्चे वही में चिपके हुए हैं, वही जानते हैं, और उसके द्वारा हिंदी को आगे बढ़ाना है और शिक्षा मंत्रालय के संगे काम करना है। मेरे आजा कहा करते थे, हम लाए हैं भारत से हिंदी निकाल के, मेरे बच्चों रखना उसे संभाल के, हम सब संभाल कर रखेंगे। जय हिंद।